हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस पाइथन क्लास में हम सीखेंगे एक नया डेटा टाइप जिसका नाम है लिस्ट। हमने पिछली वीडियोस में टपल्स पढ़े थे, डिक्शनरीज पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के। लिस्ट क्या होती है तो सीधे हम लिस्ट के जो फीचर्स हैं उनको पढ़ेंगे, लिस्ट क्या होती है ये पढ़ेंगे, लिस्ट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे लिस्ट होती क्या है। देखिए, जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक L1 वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स मेल 20 ट्रूथ 45। तो ये क्या है, एक लिस्ट है। जैसे मैं टाइप L1 करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा लिस्ट के, ये जो है लिस्ट आपने लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा जाता है। फिर आते हैं हमारे लिस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। सबकी जितने भी आइटम्स होते हैं लिस्ट में, सबकी एक प्लेस वैल्यू होती है, जो 0 पे है 0 पे, 2 पे है 1 पे है 3 पे है। उसी तरीके से लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड भी होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, पहला आइटम लास्ट में पहुंच जाएगा, लास्ट वाला पहले पे पहुंच जाएगा, जो जहां वो वहीं रहेगा। लिस्ट आइटम्स आर चेंजेबल, लिस्ट आइटम्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को भी रख सकते हैं। फिर आता है हमारे लास्ट में लिस्ट आइटम्स अलाउ डुप्लीकेट्स। लिस्ट आइटम्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करते हैं। जैसे हमने डिक्शनरी में देखा, डिक्शनरी अलाउ नहीं करता था, लेकिन लिस्ट आइटम डुप्लीकेट को अलाउ करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन तो ज़्यादातर सभी डेटा टाइप्स के लिए सेम ही है। जैसे मेरा एक एग्जांपल लिया है मैंने, L1 एक वेरिएबल, उसमें मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी मेल 20 ट्रू 45, ठीक है। ये जो है मैंने एक लिस्ट ले ली, अब मैं इसकी लेंथ देखना चाहता हूँ, तो मैं सीधे लेंथ फंक्शन लगा दूंगा लेंथ L1, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 4 कि आपकी लिस्ट में 4 आइटम्स हैं, मेल 20 ट्रू और 45, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन की मदद से हम लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी लिस्ट की। फिर आता है हमारा एक्सट्रैक्टिंग इंडिविजुअल करेक्टर्स। इंडिविजुअल करेक्टर्स को हम लिस्ट में से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे एक लिस्ट दी हुई है मैंगो सलमान 245, ठीक है। मैं सीधे फर्स्ट पोजीशन वाला आइटम निकालना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 लिख दिया, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा सलमान के 1 वैल्यू पे, 1 प्लेस पे जो है सलमान है, 0 पे मैंगो है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं लिस्ट -1 करूँगा, तो -1 में पीछे से चलता है, तो -1 पे 5 है, तो मुझे आउटपुट 5 मिल जाएगा। फिर मुझे चाहिए लिस्ट 1:3। 1:3 का मतलब होता है 1 से लेकर 3 तक, मतलब 3 से 1 पहले 2 तक, ये 3 को इंक्लूड नहीं करता है। तो 1 पे हमारा सलमान है और 2 पे जो है 2, तो ये यहाँ तक हमें प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद आता है हमारा यूज़ ऑफ इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एक लिस्ट दी हुई है सलमान और जहूर, फिर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ सलमान इन लिस्ट। देखिए इन कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, इफ सलमान इन लिस्ट, अगर लिस्ट में सलमान है तो प्रिंट यस कर दो, तो हमने आउटपुट देखा, इसने प्रिंट कर दिया यस कि सलमान लिस्ट में मौजूद है। उसके बाद आता है मेरा चेंज आइटम वैल्यू। आइटम की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें जो है 3 आइटम्स हैं, सलमान, आकिब और श्रेया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आकिब की जगह पे पूजा आ जाए, तो मैंने देखा आकिब कौन सी पोजीशन पे है, आकिब जो है 1 पोजीशन पे है, सलमान 0 पे और श्रेया जो है 2 पे है, तो मैं सीधे 1 पोजीशन वाले आकिब को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा लिस्ट लार्ज ब्रैकेट में लिखा 1, इसकी वैल्यू असाइन कर दी पूजा। तो उसके बाद जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सलमान, पूजा और श्रेया, मतलब इसने जो है आकिब को जो है रिप्लेस कर दिया पूजा से। इस तरह से हम जो है लिस्ट के आइटम की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हम किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, जो पहले पे उन्हें लास्ट में बचा सकते हैं, लास्ट वाले को पहले पे ला सकते हैं, तो हम किसी भी तरीके का ऑपरेशन कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फिर आता है हमारा इंसर्ट आइटम्स इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर आइटम्स को इंसर्ट कैसे करें, तो इसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे लिस्ट दी हुई सलमान, जहूर, पूजा, ठीक है, मुझे एक श्रेया नाम ऐड करना है इस लिस्ट में, तो मैं एक सीधे जाऊँगा लिस्ट डॉट इंसर्ट। फंक्शन लगाने का क्या मेथड होता है, हम सीधे डॉट लगा के लगाते हैं, लिस्ट डॉट इंसर्ट, फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे, मैंने लिख दिया फर्स्ट पोजीशन पे श्रेया लिख दो आप, तो जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे श्रेया मिल जाएगी, जैसे सलमान, श्रेया, जहूर, पूजा, तो सलमान 0 पे, श्रेया 1 पे, जहूर 2 पे, पूजा 3 पे। फिर आता है हमारा ऐड लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स को हम ऐड कैसे करें, जैसे मुझे एक लिस्ट दी हुई है सलमान, अजीज़, फरहान, अब मैं चाहता हूँ इसमें एक नदीम नाम और ऐड कर दूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक अपेंड फंक्शन का यूज़ करना है, तो लिस्ट डॉट अपेंड
नदीम करूँगा, उसके बाद जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा सलमान अजीज़ फरहान नदीम। देखिए इसने नदीम को जो है ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं लिस्ट में। फिर आता है हमारा एक्सटेंड लिस्ट। एक्सटेंड फंक्शन देखिए क्या होता है, मुझे एक लिस्ट दी हुई है सलमान पूजा श्रेया आकिब, ठीक है। दूसरी लिस्ट है मैंगो पियर पपाया। अब मैं चाहता हूँ दोनों के आइटम एक ही में मिक्स हो जाएं, तो मैं लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू करूँगा। उसके बाद जब मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूँगा तो सारे एक ही में आ जाएंगे, सलमान पूजा श्रेया आकिब मैंगो पियर पपाया सब एक ही में आ गए। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, उसको इंक्लूड कर देता है पहली वाली या दूसरी वाली लिस्ट में। फिर आता है हमारा ऐड एलिमेंट्स ऑफ ए टपल टू ए लिस्ट विद एक्सटेंड फंक्शन। अब एक्सटेंड फंक्शन की मदद से हम जो है एक किसी टपल के एलिमेंट्स को भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक लिस्ट दिया सलमान ब्राट और एक टपल दिया हुआ है श्रेया और मैंगो। अब मैं चाहता हूँ कि टपल के एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा लिस्ट डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में लिख दूंगा टपल। उसके बाद जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो सारे आइटम्स एक ही में आ जाएंगे, सलमान ब्राट श्रेया और मैंगो, ठीक है। फिर आता है हमारा रिमूव आइटम। आइटम्स को हम रिमूव कैसे करें, जैसे मुझे एक लिस्ट दी हुई है मैंगो डॉग मोबाइल। अब मैं चाहता हूँ इसमें से डॉग रिमूव कर दूँ, तो मैं सीधे रिमूव फंक्शन का यूज़ करूँगा, लिस्ट डॉट रिमूव डॉग ब्रैकेट के अंदर डॉग लिख दूंगा। उसके बाद जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे मैंगो मोबाइल मिलेगा, डॉग नहीं मिलेगा। इसने क्या किया, डॉग को रिमूव कर दिया। फिर आता है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मुझे एक लिस्ट दी हुई है सलमान और मैंगो। अब मैं लिस्ट डॉट पॉप, इसके अंदर मैंने पोजीशन डाल दी वन, कि जो वन पोजीशन पे आप उसे पॉप कर दो। उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे सलमान मिलेगा, क्योंकि जीरो पे सलमान था वन पे मैंगो था, इसने वन पोजीशन वाले मैंगो को पॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो मुझे आउटपुट में सिर्फ सलमान मिलेगा। तो ये जो है हमारे एक्सटेंड फंक्शन, रिमूव फंक्शन और पॉप फंक्शन थे जो लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, जैसे मुझे लिस्ट दी हुई है सलमान एप्पल और लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं क्लियर फंक्शन की यूज़ करूँगा तो ये सारी लिस्ट को खाली कर देगा, सिर्फ ब्रैकेट्स छोड़ेगा, सिर्फ लार्ज ब्रैकेट्स छोड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्लियर फंक्शन सब कुछ क्लियर कर देता है। फिर आता है मेरा सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है अरेंज कर देता है लिस्ट को। जैसे लिस्ट दी हुई है मैंगो एप्पल बनाना कैरेट, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं लिस्ट डॉट सॉर्ट करूँगा, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो सारे आइटम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसे पहले एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर कैरेट आ गया, फिर मैंगो आ गया। उसी तरीके से जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, जब सॉर्ट फंक्शन को हम इंटीजर्स में यूज़ करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। जैसे लिस्ट दी हुई है 123, 54, 466, 46। उसके बाद जब मैं लिस्ट डॉट सॉर्ट करूँगा, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 123, 46, 54, 466। मतलब इसने सारे नंबर्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उन्हें सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मुझे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है लिस्ट में, तो मैं कैसे लिखूंगा। जैसे मुझे एक लिस्ट दी हुई है 1, 2, 45, 65, 3, 45, 33। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू। मतलब सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में वो करता है अरेंज, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को तो हमें आउटपुट मिल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 65, 45, 45, 33, 3, 2, 1। देखिए 45 दो बार आया, इसका मतलब लिस्ट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करती है। फिर आता है हमारा ज्वाइन लिस्ट। लिस्ट को ज्वाइन कैसे करें हम, जैसे मुझे एक लिस्ट दी हुई है 1, 2, 3, दूसरी लिस्ट है 4, 5, 6, तो मुझे तीसरी लिस्ट ले लूँगा L3, L1+L2। तो L3 को जब प्रिंट करूँगा तो सारे आइटम्स लिस्ट वन में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब लिस्ट 3 जो नई थी उसमें सारे आइटम्स आ गए हमारे ऐड होके। इस तरीके से हम लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप यू माइट हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग लिस्ट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑफ आर वीडियोज ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग योर काइंड अटेंशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।